हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यस, मैंने थोड़ा सा ये शेव निकाल लिया है। शेव निकाला मतलब ट्रिम किया, क्योंकि इस बार जो कल मंडे जो शूट हुआ है वो थोड़ा सा हमारा कॉस्ट्यूम ड्रामा पार्टी समथिंग ऐसा थीम था, तो सब उसमें ओवर द टॉप चीज़ें गए थे। और मेरा जो था, मेरा थोड़ा प्रोस्थेटिक मेकअप था, जिस वजह से मुझे ये निकालनी पड़ी। अगर नहीं निकालता तो इसकी वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाती और फिर निकालने में मुझे बहुत तकलीफ होती हुई। देखो अभी तक रैशेज हैं, जो पूरा प्रोस्थेटिक मेकअप का उसके बाद निकालना, उसको ऐसी टोन से, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। और आज फिर ट्यूसडे है और आप फिर व्लॉग स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, और आई होप आज मैं कंप्लीट करूंगा वो सब। मैंने अभी तक, क्योंकि ऐसा था, वो सब मैंने अभी तक लगाया नहीं। यस, लेकिन जो पिछला मैंने कुछ जो भी शूट किया था उसमें से मैं कुछ कुछ थोड़ा सा क्लिप्स जो है वो अच्छी अच्छी क्यूट सी क्लिप्स है वो मैं लगा दूंगा। समझ आएगा। ये हर ट्यूसडे कैमरा उठाते हैं, बोलते हैं हाय गाइस आज ट्यूसडे है, तो आज मैं वेट करी थी, आज उन्होंने वो बोल। एनीवेज गाइस, आज है ट्यूसडे और कल मेरा शूट था मंडे, और आज ऑफ होता है तो मैं घर पे हूँ अभी। और बस ये देखो रोहान को, ये भी अभी सो के उठे हैं। हे रोहान, से हेलो। नहीं कर पा रहे हैं कि अभी दोबारा से हेलो की मुश्ती करे। दिशा एक करो। एंड पिछले 20 दिनों से मेरा व्लॉग नहीं गया है, पिछले भी 20 दिनों से सब मुझे बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि यार इतना, सब मुझे बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि इतना भी नहीं, आप प्लीज़ एक आध ब्लॉग तो डाल दीजिए। बट सच बोलूँ, ट्रस्ट मी, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, लेकिन नहीं हो पाता, कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। और एक दो चार, मतलब ऐसा होता है कि दो चार क्लिप्स निकलती हैं, फिर मैं जाके बिजी रहता हूँ। और जैसे कि जैसे झलक अभी आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं अब, और चौथा हफ्ता जो होगा वो इंशाल्लाह फिनाले का होगा। तो 3 हफ्ते मैं अभी, यू नो, मैं क्या, जो भी अभी हैं सभी पूरा फोकस कर रहे हैं। और जेन्युइनली मैं, मतलब नहीं हो पाता है कि मैं व्लॉग को कंप्लीट कर सकूं। और दो चार, अगर एक दो मिनट की क्लिप डालनी है तो फिर मैं वो इंस्टा पे डालूं, मैं यूट्यूब पे क्यों डालूंगा। तो कोशिश करता हूं लेकिन नहीं हो पाता है। और इंशाल्लाह झलक जब भी ख़त्म होगा, या उससे पहले अगर मेरी जर्नी ख़त्म होती है, तो उसके बाद तो इंशाल्लाह व्लॉग्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। बट अभी शायद 2-3 हफ्ते थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि मैं डाल सकूं, लेकिन आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा कि मैं नहीं डाल पाया। अगर आप इस टाइम समझिएगा मुझको, एंड जैसे आप प्यार करते वैसे करते रहिएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं अभी आज क्या हो सकता है, और बस फिलहाल कुछ खा लेते हैं, क्योंकि आज 2:30 बज रहा है अभी, 1 बजे के आसपास मैं उठा हूँ। कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं दिन कैसे निकलता है आज। अरे आप तो रेडी हो गए खाने के लिए ऐसे बैठ के? हाँ माशाल्लाह। हाँ, अच्छा आपको खाना है अपने हाथ से? खुद से खाना है आपको? हाँ खुद से खाना है। चलो बीच बीच में थोड़ा ज्यादा खाते नहीं। हाँ ये लो, बीच बीच में मेरा खाओ। ये अभी कर लो, हाँ करो, अभी आपको जो करना है करो। रोहान, ये रोहान देखो पराठा। पराठा खाना है थोड़े टाइम में, अभी ये खाएंगे। चलो पराठा खाओगे बेटा? थोड़ा बड़ा होने दो। पराठा खाओगे? रो रहा था बहुत, तो मैं उसको ऐसे हंसा रही थी, ऐसे जाके बनना पड़ता है पूरे दिन भर आराम किया भाई आज मैंने, कुछ नहीं किया, अभी भी देखो ऐसा है। और यहाँ पे क्या चल रही है तैयारी? कितने दिनों बाद मैं ऐसे किचन में आया हूँ? बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद क्या चल रही है तैयारी? ये यहाँ बन रहा है चाट का प्लेटर। किस खुशी में? क्योंकि आज मम्मी की जो कजन सिस्टर जो कनाडा में रहती है वो आई हुई है पिछले 1 हफ्ते से, उनका एक्चुअली एक डेंटल ट्रीटमेंट होना था, तो इसलिए वो मुंबई आई है। और आज जो है वो डिनर के लिए आने वाली है,
तो एक्चुअली बहुत एक हफ्ते से हैं पिछले, और आपको तो पता है कि मुझे बीच में वक्त जो है वो मिलता नहीं है, तो इसलिए आज ट्यूसडे है, छुट्टी ट्यूसडे कितने बार बोलता हूँ छुट्टी, तो उस दिन हमने प्लान किया था कि हम ट्यूसडे को रखेंगे। ध्यान दादा आलू काट रहे हैं, एंड पता है एक तरह से वो भी खुश हैं क्योंकि इससे पहले उनका एक्सट्रैक्शन हुआ तो वो कुछ दिनों तक जोर से चबा नहीं पा रही थी, तो नाउ शी इज फाइन। कल उनका फॉलो अप है और फिर परसों इंशाल्लाह वो निकल जाएंगे, तो शी इज हैप्पी इतने दिन निकल गए। क्या बात है, दही पूरी, सेव पूरी, हां दही पापड़ी, दही पापड़ी, अम्मी भी आ गई है, दादा से मिलके पापा खाना ऐसे देख रहा था बहुत गौर से, वो पीली थी सब्जी थी। हाँ ओ अच्छा, पास यहाँ पे आना है, पास अच्छा इधर देखना है, देखो पापा। आज छुट्टी के दिन सोचता हूँ कि कहाँ से, जब मैं दिन भर रहता नहीं हूँ ना, नौकरी निकल जाता हूँ, एंड समर भी चली गई है, शालू भी चली गई है ना, शालू भी चली गई है अभी घर में, उसके कुछ रिलेटिव्स में कुछ शादी है तो वहाँ चल, वहीं गई है ना शादी में गई है, फिर आएगी उसके बाद एंड बस। क्या हाँ एकदम ठीक, एकदम ठीक, सब बढ़िया, आप बताओ सब बढ़िया, डांस परफॉर्मेंस, खाना खाने आए ना ये ऊपर, हाँ दो रोटी कबाब अभी हल खा के आया, क्यों बहुत भूख लग रही थी जानू भाई, मतलब 10 मिनट 10 मिनट सफर नहीं कर सकते थे, नहीं हो रहा था, फिर मैंने मांगा, रुक जा अभी ऊपर चल रहे हैं खाना खाने, मैं अभी बहुत जोर से भूख लगी मुझे, तूने इस वजह से तो नहीं खाया भी खाना, कि ऊपर वेज खाना है आज इसलिए है भाई, इसको नहीं पता कि हमने कोरमा भी मंगा के रखा है, अब नहीं मिलेगा इसको, बहुत भूख लगी वो रेहान के लिए है ही नहीं कोरमा, ये शाना इसलिए खा के आ गया, कह रही है ऊपर तो आज वेज है क्योंकि वो जो आ रहे हैं वो नॉन वेज नहीं खाते, वेज खाते हैं ये, क्या बोल रही थी रेहान, खास बैग के बैंगन का भरता खाएगा, और रिजा ने यही बात बोली सानू कि आवा लगता है वो नहीं होगा, हाँ नॉन वेज, हाँ इसलिए रेहान यही से खा के जाएगा, कि चिकन नहीं, सबसे खुश रिजा होगी उसके मतलब का खाना है आज, अगेन रेडी रेहान खाने के लिए, बोलो आप लोग अपना देखते रहो भैया, मैं बैठ रहा हूँ खाने। अल्हम्दुलिल्लाह पलट गए आप, पलट गए आप, हाँ पलट गए, आजा पलटो, आई आई सॉरी मैं तुझसे मिल नहीं पाया, इसने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया पर मैं नहीं रुकता, मैं ना बहुत बहुत इसको बैठी थी, अच्छा लगा ना आपको, हां बहुत बहुत अच्छा लगा, वो जब भी जाते हैं बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होती है, मतलब सबसे स्मूथ अगर रूट भी होगा ना जिस पे कभी आपने टर्बुलेंस एक्सपीरियंस नहीं होगी, इफ ही इज ऑन बोर्ड यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस टर्बुलेंस, सो ही इज वेरी स्केयर्ड। हेलो 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 सिर्फ वन हेलो डन, अच्छा से आ जा बेटा, मैं सोच रहा हूं ये ठीक है, मैं बर्ता कल भून के रख लिया, बड़ा सारा मुझे I was not sure बनाऊं नहीं बनाऊं, ये नहीं खाती बैंगन, बहुत फेवरेट, मैं जब भी बनाती हूँ मुझे याद आती है, और दो बार से ऐसे हो रहा है कि जब मैं बनाती हूँ तो वो नहीं होती। ओए हां स्टैंडिंग अभी ओए ओह
बाय। तो बस कल रात में शूट किया, उसके बाद कुछ देर के लिए मैं चला गया था नीचे, अड्डे पे बहुत वक्त से नहीं गया था मैं। अंकित तो मेरे साथ में रहता है, अभिषेक से मिलने चीज़ें, एंड बस कल वो चले गए एंड थिंक हैप्पी होंगे, मज़ा आया होगा उनको, बड़ा मज़ा आया। और वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो आपके बहुत फैन रहे हैं, तो मासी ने आपके सामने नहीं बोला, उनको वो झिझक हो रही थी, लेकिन बाद में वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, उन्होंने फ़ोन करके सबको बताया मैं शोएब से मिली। तो लास्ट टाइम शोएब नहीं मिल पाए थे, मैं मिली थी उनसे क्योंकि वो आए थे, और इनफैक्ट मैं भी उनसे लास्ट टाइम जब वो आए थे तो पहली बार मिली थी, बिकॉज वो कैनेडा में सेटल्ड हैं, मम्मी के ताया जी की बेटी हैं ये, दूर की बेटी, हाँ मतलब कजन्स हैं, तो मैं भी नहीं मिली थी तो, बट अच्छा लगा। उनका डेंटल ट्रीटमेंट था इसलिए वो यहाँ पे आई थी, और अभी बस हो गया उनका ट्रिप, अभी कल जा रहे हैं वापस। बस मैं अभी जा रहा हूँ रिहर्सल पे, नया वीक नई चीज़ें शुरू हैं, एंड इस बार जो आने वाला है जो अब टेलीकास्ट होगा वो आप परफॉर्मेंस प्लीज़ 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 मिस मत करिएगा। एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो हम, मैंने आपसे बोला था कि लग जा गले जो है मेरे लिए बहुत खास था, ऑब्वियसली बात है खास था, खास है खास रहेगा, बट ये एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, सैटरडे या संडे जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। एंड एक और चीज़, आपने लास्ट वीक टेलीकास्ट में देखा होगा जब गेरुआ जो हमने किया क्रेन पे, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। यस, ईजी नहीं था, टफ था, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हिलता रहता है प्लेटफॉर्म विदाउट हार्नेस चीज़ें करना, हाइट पे घूमना, हाँ ओवरसी, वो मुझे गोल घूमने में ही चक्कर आते हैं, बट अच्छा था, मैंने भी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर किया। इवन धनश्री ने भी बहुत अच्छा किया, उसकी नी के इंजरी के बाद भी उसने वो सारी चीज़ें पुल ऑफ की, ऐसे उसके देख के लगा नहीं है कि उसको नी की कोई इंजरी है। यस, वेरी वेरी गुड। और उस एपिसोड में एक चीज़ और हुई थी, तो उसके लिए मैं आपको दिल से सबको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि जब मुझे और मनीषा को आगे यू नो बुलाया था, वो बता रहे थे कौन डेंजर में है, जब मुझे और मनीषा को आगे बुलाया था, एंड देन गौहर ने अनाउंस किया कि हम दोनों टॉप टू में हैं स्कोर्स एंड वोट्स मिला के, तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मैं जितना बोलूं शुक्रिया आपका उतना कम है। मैं हमेशा बोलता हूं आप हैं तो हम हैं, और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपके वोट्स ही मुझे यहां तक लेके आए हैं, क्योंकि झलक का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपके वोट्स कुछ भी कर सकते हैं, आपके वोट्स मतलब 30 वाले को भी नॉमिनेशन में ला सकते हैं, और आपके वोट्स ना जैसे आपने मुझे बचाया था सीज़न का लोएस्ट अब तक मैं था, यू नो 16 से ये जर्नी शुरू करी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस तीन हफ्ते और बचे हैं, चौथा वीक जो होगा वो फिनाले का होगा, तो बस 3 हफ्ते और, ढेर सारा प्यार चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए आपका। घर के सारे फ़ोन सब में डाउनलोड करके रखिए, अपडेट करके रखिए, और सारे फ़ोन से प्लीज़ वोट कीजिए 50-50, 50-50, और भी कर सकते हैं तो और भी कीजिए, बस अब ये लास्ट के 3 हफ्ते हैं जहां आपके बहुत और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। yes. हो सकता है कि मैं ब्लॉग ना बना पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लास्ट वीक है, अभी शायद दो एक्ट भी शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है कि मुझे वक्त ना मिले ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैं हमेशा आपको स्टोरीज़ में दीपिका ब्लॉग बनाती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा आपको वोट कब करना है, तो प्लीज़ गाइस इतना साथ दिया है 3 हफ्ते और प्लीज़ 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 एंड यस यहाँ तक पहुँचाने के लिए, टॉप टू में पिछले हफ्ते जो था उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सारी परेशानियों से दूर रखे, सब तकलीफें दूर, सब दूर हो जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ।
तो थैंक यू सो मच। तो मैं अभी निकलता हूँ रिहर्सल के लिए, इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। फाइनली 20 दिन के बाद शायद मेरा ब्लॉग जाएगा, क्या बात है। तो यस, इसको देखिएगा। और इसके बाद एज यूजुअल मैंने पीछे गेरुआ का BTS लगा दिया है, आपको देखना है किस किस तरीके से। और कुछ नहीं तो आपके चैनल पे BTS जरूर गया है। BTS जरूर गया, तो वो भी 20 दिन से नहीं गया है। ओ, वो भी कहाँ डाला है अच्छा, मैंने। हाँ। तो चलिए इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, निकलता हूँ यहाँ से मैं। आज इनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो चलो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। और इस सैटरडे संडे प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, और बताइएगा आपको कैसा लगा। लास्ट वीक के परफॉर्मेंस के लिए आपने सारे विशेज दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी हो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे हद तक बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, और वोट कीजिए, वोट। तुषार, वोट बहुत सारे, इधर देख के बोलना। वोट वोट बहुत सारे। निकु, बहुत सारे। यस, प्लीज 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 ढेर सारे वोट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद है गेरुआ का BTS, देख लीजिएगा। अरे उठो उठो जल्दी, आधा घंटा ही है। चलो 1 2 एक ही है ना, और ये हाथ आगे लेके आ जाओ, जाओ निकल के, के पे आ जाना इधर, भूत से निकल के खटका, एक ही है ना, ये करके सिर्फ हाथ आगे लेके आओ। हाँ, अब ये जो सर्कल है ना थोड़ा फास्ट है, भूत से निकल के खटका। 1 5 6 7 8 1 2 तो मुझे स्विच करना है। हम मिले जहाँ पर था लम्हा, हम चल और थोड़ा बात ला सकते हो। हम मिले, हम चार मिले, दोनों से लॉक नहीं हो रहा है मेरा बात कर रही सेवन थोड़ा सा चलना भी गया।
क्योंकि छाव मिस हो गया तो वी कुडंट टेक दैट पोजीशन. ना शार्प मत करो, मतलब छाव से फिर ये शार्प बोल. छाव से हां बराबर से अभी फिसल के बार अच्छा अभी ऐसे ही रहेगा. हां ऐसे रहेगा. छाव से इधर रुको, फिसल पे मार रहे छाव से फिसल. क्रेन देखते हैं क्या होता है. कम क्या पकड़ना है क्या? हाँ पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, छोड़ दो, छोड़ दो. अरे पैसा भी क्या करना. 5 6 7 8 हैंड अप. वेरी गुड. स्टे होल्ड. 1 2 3 4 वेरी नाइस. 8 काउंसलर्स है. टफ मैन. अरे बढ़िया हो गया. तुम सब छोड़ो. पीछे देखो. आइए ये ये पता 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 प